साहिल, तो उसके बाद आप अनअकैडमी पे आए, तो कौन कौन से टीचर्स थे और आप क्या क्या सब्जेक्ट किस किस से पढ़ते थे, कौन कौन से क्लासेस अटेंड करते थे? सीए के लिए और लीगल के लिए केशव सर, लॉजिकल के लिए, और आप बहुत सारे मतलब ऐसे कराते थे ना, कहते मतलब आप बहुत सारे मतलब ऐसे कराते थे ना, कभी क्वांट का क्विज, कभी हाँ लीगल का क्विज, कभी इंग्लिश का क्विज, वो और मिशन 35 और सर की सीए, केशव सर की सीए की क्लास में मतलब बहुत सारे टॉपिक सिमिलर रहते थे, मतलब टाइम कम था 6 मंथ से ना, तो इसलिए मैं जो सिमिलर रहते थे उनको छोड़ देता था, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते थे उनको मिशन 35+ के कवर कर लेता था रिकॉर्ड से। और क्वांट के लिए और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए मैं मतलब साइंस के एग्जाम्स आता तो क्वांट तो मेरे लिए थोड़ा आसानी हो जाता था, क्वांट में मुझे इतना दिक्कत नहीं आता था, क्वांट के मुझे मतलब फॉर्मूले वगैरह अपने 9th 10th से याद थे, तो कोई ऐसे क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट वो प्रैक्टिस ही हो गई क्वांट तो, मॉक्स की प्रैक्टिस और अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के। इंग्लिश भी मेरी मतलब ठीक ही रहती थी, इंग्लिश में मुझे मतलब ऐसे तो बस कुछ चीजें समझ नहीं थी, जैसे टोन्स कैसे आइडेंटिफाई करें वगैरह वगैरह, वो यूट्यूब पे शुरू में ही तब इतना देखा तो उसी से आगे, तो इंग्लिश के लिए और उसके लिए इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्वांट्स के लिए क्लासेस की। And now you will be going to NLSI Bangalore. How excited do you feel? I'm very excited to go to NLS. मतलब NLS के बारे में इतना सुन रखा है कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे वो होता है, एवरी AI 1 AI 50 तक सब वहीं जाते हैं, तो इट्स मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो I'm sure हमेशा से सपना तो यही रहा होगा ना कि NLS बेंगलोर ही जाना है, या फिर किसी और कॉलेज को भी टारगेट कर रहे थे? सर सपना तो यही था कि कुछ मतलब NLS जाना है, बट शुरू शुरू में तो NLS बहुत दूर की रियल लगता था कि NLS तो नहीं हो पाएगा, 6 ही मंथ है, लोग 2 2 साल से 3 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लगता नहीं था कि NLS होगा, तो मतलब कोशिश ये रहती थी कि टॉप 5 NLU तो कम से कम निकाल ही दिया जाए, इवन लास्ट मंथ तक में मेरा यही था कि मैं टॉप 5 NLU निकाल लूँ किसी तरीके से बस, और पेपर तक जब तक मैं देने आ रहा था तब तक मैं अपने आप ये बोल रहा था कि बस आज के पेपर में 100+ लाना है, 100+ लाना है, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि NLS ही जाना है, 100+ लाने का स्कोर मतलब सोच के रखा था बस। मुझे साहिल, अब आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो आज, अगले 1 साल तक कम से कम और आने वाले कई सालों तक, यू विल बी एन इंस्पिरेशन टू मेनी स्टूडेंट्स। नाउ यू आर नॉट जस्ट अ क्लैट एस्पिरेंट, यू आर अ क्लैट इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई वांट टू टेक यू बैक टू जुलाई 2022, जब आप क्लैट की तैयारी शुरू कर रहे थे। मुझे उस साहिल से जानना है कि उसको क्या क्या कंफ्यूजन होते थे, क्या क्या डर लगता था। और हम कई बार टॉपर्स की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस रही होगी कुछ जिसको आपने ओवरकम किया, कुछ डर होंगे आपके, कई बार आप मोटिवेशन लैक करते थे, तो बहुत सारी चीजें जाननी है कि वो किस तरह से आप करते थे। जब मैंने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जस्ट मैंने बताया कि क्वांट और इंग्लिश मेरे अलग अच्छे हैं, वो उतने बुरे भी हैं, मतलब कभी मॉक्स में वो बिल्कुल चले जाते थे 20 22 23, कभी कभी वो मॉक्स में सिर्फ 10 12 भी रह जाते थे, कभी क्वांट में मेरे को तीनों साइड में से एक भी नहीं आया मॉक में करने को, टाइम नहीं बचा, तो मतलब वही मेरे वीकनेस थे, वही मेरे स्ट्रेंथ थे, क्योंकि वो कभी भी अप डाउन होते रहते थे, बाकी ये तीनों मेरे सीए लीगल लॉजिकल थोड़े कॉन्स्टेंट से रहते थे, वो कभी भी अप होते वही मेरे मार्क्स के मार्क्स डिसाइड करते थे एक्चुअल में, और वही जो दोनों सब्जेक्ट। और हाँ नहीं, सब हो गया, आपको कंटिन्यू और करें। जब मॉक स्कोर बुरा चल जाता था तब क्या होता था? तब सर कुछ नहीं, सर मैं मतलब पहले तो शुरू में थोड़ा मार्क्स के स्कोर पर ध्यान देता था, कि शुरू शुरू में जब 5 10 मार्क्स 15 मार्क्स दिए थे तब तक मैं ध्यान देता था, उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मार्क्स के स्कोर पर ध्यान नहीं देना बिल्कुल, चाहे कितना भी अच्छा आ जाए चाहे कितना भी बुरा आ जाए, मार्क्स के स्कोर मतलब शुरू में मैं पहले अपने भाई को भी बताता कि मेरा आज मार्क्स में ये स्कोर आया वो आया, तो मैंने वो भी बंद कर दिया, मार्क्स के स्कोर पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, बट मॉक मेरी एक तरह से प्रैक्टिस की तरह लेता था कि आज मेरे को ये 2 बजे बैठ के बस एक प्रैक्टिस करनी है, 2 घंटे लगाते हैं बस और कुछ नहीं। एंड ओवर द कोर्स ऑफ योर क्लैट जर्नी, हाउ मेनी मॉक्स डिड यू गिव? अराउंड क्लैट के 90+ एंड टेलेट के 15 20 मार्क्स। क्लैट के 90+ मॉक्स, और आपने स्टार्ट अपनी मतलब इट वाज मेयरली अ 156 डेज जर्नी आपकी जो थी क्लैट के साथ, तो यू वर यस राइटिंग सर, मॉक एवरी अल्टरनेट डे या फिर हर दिन लगभग लिख रहे थे? मतलब जुलाई में तो मैं वीक में 2 2 से 3 मार्क्स लिख रहा था, क्योंकि टाइम बहुत रहता है, आप प्रॉपर होते हो आपके पास टाइम बहुत रहता है, आप सुबह उठते हो आपके पास कुछ नहीं करनी होता, मॉक लिख लो है ना, तो टाइम बहुत रहता है आपको ड्रॉप करो होते, तो जुलाई में तो मैं 1 या 2 3 मार्क्स ही दे रहा था, फिर अगस्त और उसके बाद से मैंने मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ाने लगी, 5 नवंबर आई वाज
गिविंग वर्क एवरी डे. मुश्किल से अगर उस दिन कुछ हो गया, नहीं दे पाया, तो बात अलग थी, वरना बाय नवंबर आई वाज गिविंग वर्क एवरी डे.